सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8 के सभी छात्र आज अपने हिंदी की पुस्तक में चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती अध्याय हमारा कविता है और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने यहाँ यही बताया है कि एक मस्त मौला इंसान दुनियादारी से बेफिक्र होकर किस तरह दुनिया में घूमते फिरते हुए खुशियों को बांटता है। वह जहाँ भी जाता है खुशियाँ ही खुशियाँ बांटता है। अब देखेंगे बेटा कविता को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर्मे ले ऐ सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये भगवती चरण वर्मा की जो कविता है हमें एक आज़ाद मनुष्य के बारे में बताती है, वह किस तरह आज़ाद होते हुए इस दुनिया में घूमते हुए खुशियों को बांट सकता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या औकात है, क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, क्योंकि मस्त मौला इंसान आज यहाँ होते हैं तो कल वहाँ चले जाते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, जब हम झूमते हुए चले तो मस्ती का आलम साथ चला, मतलब मस्ती का जो नशा था वो साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, क्योंकि हम इतने मस्त मौला होकर चले कि हम जहाँ धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, वहीं पर खुशियाँ बनकर आ जाती है, यानी उत्साह आ जाता है, खुशियाँ आ जाती है, उल्लासा छा जाता है, आंसू बनकर बह चले अभी, एक पल में अगर हम आंसू बनकर चलते हैं, दुखी होकर चलते हैं तो दूसरे ओर सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, हमें कहा गया, कवि अपने आप को माध्यम बनाकर सारी बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, दुनिया कहती है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ चले हो, किस ओर जा रहे हो यह मत पूछो, क्या कहते हैं, चलना है बस इसलिए, जग से उसका कुछ लिए चले, वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि बस ये मत पूछो, हमें चलना है बस चलते ही जाना है, क्योंकि जग से उसका कुछ लेकर चले जा रहे हैं और जग को अपना कुछ देकर जा रहे हैं, अपना कुछ का मतलब है इंसान जब इस संसार में आता है तो वह समाज के लिए अपनों के लिए कुछ ना कुछ करता है और उसे वापस उसके लोग भी कुछ ना कुछ देते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, क्योंकि इस संसार में कोई, हम भी किसी को दो बात कह सकते हैं, हमें भी कोई दो बात कह सकता है और हम उसे सुनते हैं, कभी क्रोध में कभी खुशी में, ये सब यहाँ होता है, कहाँ, संसार में, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, इस संसार में रहते हुए हम कई बार हंसे हैं और कई कई बार रोए हैं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और इस संसार रूपी सागर में रहते हुए हमने छक्कर सुख और दुख, यानी यहाँ कमी नहीं रही, दुख भी मिला है सुख भी मिला है जो बर्दाश्त करना पड़ा है, हम
एक भाव से पिए चले और उस सबको हमने एक भाव से पिया है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि का कहना है कि यहाँ कुछ भी करो कितना भी करो लेकिन यह दुनिया एक भिकमंगे की तरह है। यहाँ हम भी एक आज़ाद की तरह स्वतंत्रता की तरह बिना कुछ मांगे बिना कुछ किए अपना प्यार लुटाकर चल दिए। भले ही हमें इस संसार से कुछ भी मिला हो हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। क्योंकि इस संसार में कितना कुछ करने के बाद भी यहाँ इंसान निराश ही रहता है। निराश रहने का मतलब है वह असफलता ही पाता है क्योंकि मृत्यु सत्य है और एक दिन जाना है। फिर उसको लगता है कि जीवन भर क्या किया क्या नहीं किया उससे उसे असफलता का अनुभव होता है। अब अपना और पराया क्या, जब जाने का समय आ गया तो अपना और पराया कोई नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, कवि का कहना है कि जो अब इस संसार में है वह आबाद रहे फले फूले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि का कहना है कि हम अपने बंधनों से स्वामी बंधे थे। हम चाहते तो उस वक्त भी अपने उन बंधनों से आज़ाद हो सकते थे लेकिन जब हमने अब खुद ही अपने बंधन तोड़ दिए हैं हम उनसे आज़ाद हो चुके हैं तो हम इस बात से स्वीकार करते हैं कि ये संसार सुख और दुख का सागर है। यहाँ से सबको जाना है। जिन्होंने यहाँ सफलताएं और उपलब्धियाँ अर्जित की हैं वे खुश रहें आबाद रहें। हमने तो स्वयं ही स्वयं को बंधन में डाला था और अपना बंधन अब खुद ही तोड़कर चले गए। क्योंकि हासिल संसार में आकर किसने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया ये जीवन भर में पता चल जाता है और इंसान के जब आखिरी समय आता है तो वह उसका हिसाब जरूर लगाता है। तो बेटा अपने द्वारा कवि यही समझा रहे हैं कि यह संसार कैसा है। अब आप इस कविता के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। कवि ने अपने देखेंगे बेटा प्रश्न अभ्यास को ध्यान दीजिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर देखें बेटा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है या कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है क्योंकि विदाई अक्षणों में उसकी आंखों में आंसू भर देती है। दूसरा प्रश्न देखें, भिकमंगों की दुनिया में बेशक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय को असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। उत्तर देखें, यहाँ भिकमंगों की दुनिया कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है देना नहीं। कि कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। सांसारिक विषयों में उलझना है यानी इस संसार में आकर वह प्रभु को भूल जाता है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 3 है ये बेटा। उत्तर देखें, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना
समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। उत्तर देखें बेटा, संतुष्टि के लिए नहीं, प्रश्न नंबर 4 देखें, सॉरी, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर देखें बेटा, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, रखकर, देखकर, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका जो कार्य है आपको बताया गया है, आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है, और स्वच्छता के साथ करेंगे।